सरकारी नौकरी अच्छी होती है और आगे का लोग उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं ना, ये इज्जत सम्मान, इज्जत सम्मान। इसमें इज्जत नहीं रहती है। राहुल गांधी जो है ना थोड़ा सा गलत बोल जाते हैं कभी कभी। जल विभाग आ गया और हर मोहल्ले में पानी का व्यवस्था करा दिए हैं, हर घर में है ना। वोट पड़ेगा तो मैं मोदी को दूंगा। आपको कुछ मिला नहीं उनकी सरकार भी भले नहीं मिला है लेकिन किसी को तो मिला है, मिला तो है। आपस में लड़े और लड़वाए ऐसे गुरु ने। ब्राह्मण तो वैसे ही अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं। कौन सा सबसे बुरा? यहाँ हमारे सबसे ज्यादा हानिकारक है कोरे को टेबलेट। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। तो जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त द खबरदार न्यूज की टीम गांवों की यात्रा कर रही है और ऐसे ही हम एक छोटे से कस्बे में आ चुके हैं जो गांवों के बीच से घिरा हुआ है। लोकसभा क्षेत्र है रीवा जो कि मध्य प्रदेश में आता है। इस वक्त मौजूद है हमें एक बहुत ही सामान्य जगह में और बातचीत के दौरान लोगों से पता चला कि इस क्षेत्र में डेवलपमेंट से रिलेटेड जो समस्या है, जैसे मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं जब उसके सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो यहां जातिवाद बहुत हावी है। इन लोगों का कहना है कि स्थानीय नेता ऐसा भी करते हैं कि कई लोगों को झूठे केसों में फंसा देते हैं, फिर उनकी जमानत करवाते हैं, उनको छुड़वाते हैं अपना इन्फ्लुएंस यूज करके और इस तरह से वो अपना वोट बैंक भी बनाते हैं। रोजगार है ना, रोजगार बहुत लड़के हैं तो हम सोचे कि रोजगार निकालें आज मोदी जी, बस यही चाहता हूँ। अच्छा, और कुछ नहीं, और गैस थोड़ा सस्ता कर दें बस। अच्छा, गैस थोड़ा सस्ता कर दें। अच्छा, थोड़ा महंगा है यही है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा धीरज कुशवाहा। तुम्हारी दुकान है ये? अपनी दुकान। तो तुमने तो खुद रोजगार बना लिया अपने आप के लिए, तो बेरोजगारी क्यों बोल रहे हो? यही अच्छा नहीं लगता, लोगों पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई किस काम के लिए? पढ़ लिख के आगे कुछ बढ़ने के लिए तो वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे हैं, तो आदमी क्या करे, यही चला रहा है अपना। तो कितने तक की अगर नौकरी मिलती तुमको तो तुम छोड़ के ये चले जाते नौकरी करने? नौकरी मिले, सरकारी मिले। अच्छा, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी हो तो सरकारी नौकरी में तो शायद उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी तुम्हारी यहाँ कमाई होती होगी। वो भी हो गया, सही है, सरकारी नौकरी अच्छी है। है, क्या अच्छा रहता है सरकारी नौकरी में? सरकारी नौकरी में ज्यादा तो नहीं जानते। बताओ ना जो 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 जानते हो, सरकारी नौकरी ही क्यों करनी है? सरकारी नौकरी अच्छी होती है और आगे का लोग उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं ना, ये इज्जत सम्मान, इज्जत सम्मान। इसमें इज्जत नहीं रहती है। तो मोदी जी को तुम कितना जानते हो? जानते हैं उतना। राहुल गांधी को? राहुल गांधी को भी जानते हैं। कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी यहाँ तुम्हें नाम नहीं आ रहा था। दिल्ली में, दिल्ली का सांसद है, केंद्र है वो। केंद्र राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से है ना, चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। तो जैसे नरेंद्र मोदी जी एक साइड में हो गए चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे ही राहुल गांधी जी भी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी जो है ना थोड़ा सा गलत बोल जाते हैं कभी कभी, लेकिन अच्छे हैं वो भी, ऐसा नहीं है। गलत क्या बोलते हैं, क्या गलत लगता है? अब यही सब जो बोलते हैं खिलाफ, बाकी तो सब सही है। अच्छा, क्या कर रहे हैं उनका वो ना देखिए, जो अपने आप को देखिए क्या कैसे हैं, है ना, दूसरे का बुराई ना बताना। तो विकास जैसे बात होती है, बीजेपी कहती है कि हमने बहुत विकास किया है, तो क्या लगता है विकास हुआ है? क्या विकास आपने देखा इधर हमारे तरफ जो है? तो देखिए सिंचाई विभाग आ गया और हर मोहल्ले में पानी का व्यवस्था करा दिए हैं, हर घर में है ना, लेकिन बाथरूम बनवा दिए हैं फ्री में, आवास योजना भी दिए हैं कई लोगों को, बढ़िया है वो जो योजना है, वो तो ठीक है, महंगाई तो इतना है, हम लोग नहीं पाए हैं, बड़े लोग हैं उन लोगों को मिलता है। अच्छा, मुझे लगा आप बड़े आदमी हैं, आप ये होटल चला रहे हैं। होटल तो आप चला रहे हैं, लेकिन हम लोग, हमारे पास जगह जमीन नहीं है। अच्छा, हम इसी से अपना पालन पोषण करते हैं, बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई, और मेरे पास खेत बाड़ी नहीं है। अच्छा, जमीन भी ये इसमें है, ये भी सरकारी है, हमारी नहीं है। अच्छा, कब कितनी जगह क्या हो जाए कोई बोल नहीं आ जाए। अब यही है कि बच्चों को पढ़ा लिखा दिया हूँ, अगर कहीं जुगाड़ हो जाए बच्चों को खाने के लिए, प्राइवेट में मगर। तो आप बोल रहे हैं कि जो आपसे ज्यादा अमीर है उनको घर मिल गया? हाँ, उनको घर मिला है, जो गरीब है उनको नहीं मिला।
क्या वजह है, क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? वजह ये है कि इनकी ज्यादा पहुंच है, हम लोगों की पहुंच नहीं है। पर मोदी जी तो बोलते हैं कि अब तो हम डायरेक्ट भेज रहे हैं। मोदी बोलते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ 10 बार नचवाएंगे नचवाएंगे, अच्छा ये कमी है वो कमी है ये कमी है, 10 बार नचवाते हैं कोई काम नहीं होता। वो बोलते हैं तुम्हारे पास दुकान है, ये है वो है, सब है तुम्हारे पास, कहे दे। और जो पंडित जी हैं यहाँ पे जो मैंने करता रहता है यहाँ पे, वो लोग हम लोगों को नहीं देते हैं। अच्छा, ऐसी शिकायत कई गांवों में आई है, क्या करें सर? अगर गांव में हमके रहना है तो हम किसी से झगड़ा तो नहीं लेंगे हम। पानी में रह के मगरमच्छ से वैर नहीं करते। तो ये बताइए, जैसे आपने गिनाया कि उन्होंने मोदी जी के बारे में एक बार पूरा बता दीजिए जो आपको पता है। हम वोट पड़ेगा तो मैं मोदी को दूंगा। आपको कुछ मिला नहीं उनकी सरकार में? भले नहीं मिला है लेकिन किसी को तो मिला है, मिला तो है, आपने देखा है मिलते हुए। कुछ गरीब लोग भी पाए हैं, ऐसा नहीं है। अगर एक गाँव में 10 गरीब को दे दिए हैं तो 15 गरीब बड़े लोग ही ऐसा होता है। तो फिर जब मोदी जी ये बोलते हैं कि अब हम 1 रुपए भेज रहे हैं तो गरीब को 1 रुपए ही मिल रहे हैं, तो वो तो झूठ बात हो गई ना। उसमें सच्चाई तो नहीं है क्योंकि नहीं, आपको नहीं मिला, आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ भी जो लोग हैं उनका पहुँच रहता है, वो लोग नहीं चाहते कि उसको मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि वो उनकी गुलामी नहीं कर पाएंगे हम। अच्छा, अगर दे देंगे तो हम उनकी गुलामी बंद कर देंगे, नहीं देंगे तो आपसे 100 बार मिलेंगे, 100 बार में 1-2 बार तो आपको कुछ न कुछ मिलवा ही करेगा। मतलब ये है कि मेरे पास आते जाते रहो, मेरा रुतबा बरकरार रहे, मैंने दे दिया तो दोबारा मिलोगे नहीं, ऐसा होता है। लेकिन भले ही ना मिलो, लेकिन जिसने दिया उसको दोबारा वोट तो जरूर करोगे, भले ही वो आदमी वोट मांगने आए चाहे ना आए। आज मोदी जी किसी को दे रहे हैं तो आपसे तो मिलने आए नहीं है ना, आप उनसे कभी मिले हो, लेकिन वोट आप उनको दे रहे हैं। क्योंकि उनका कार्यकाल जो है अच्छा था, हम लोगों को पसंद आया है। कांग्रेस के जमाने में हम लोग बहुत बेकार जिंदगी बिता रहे थे। यहाँ जो आप रोड देख रहे हैं इतने इतने गड्ढे थे, गाड़ियाँ नहीं निकल रही थी। रीवा जाने के लिए आप 1 घंटा लगता है ना, कम 5 घंटा लगता था। 5 घंटे लगते रीवा जाने के लिए। इतने गड्ढे थे कि अगर किसी को पेट में डिलीवरी हो तो रास्ते में हो जाए। अच्छा, ऐसे ऐसे गड्ढे थे। बिजली की क्या बिजली की समस्या बता देते हैं। बिजली ऐसी थी कि यहाँ लाइट बिल्कुल चिमनी के अंदर बराबर जलता है, लाल भर रहता था बस। तो अभी भी कई जगहों में कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, जैसे कर्नाटका हो गया। तो मतलब क्या लगता है आपको, वहाँ न्यूज वगैरह आप लोग देखते रहते हैं? हाँ, देखते हैं। तो क्या लगता है अभी कांग्रेस कैसा काम कर रही है, उसको क्या सुधार करने की जरूरत है? हमारे मध्य प्रदेश में नहीं आए इधर और कहीं आ सकती है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? हमारे मध्य प्रदेश में काम किया है इसलिए नहीं देंगे। तो काम किसने किया? काम तो मोदी का है। मोदी का? शिवराज जी ने कुछ नहीं किया? अब मोदी शिवराज तो एक ही है ना। नहीं, जब मोदी नहीं थे सेंटर में तब भी शिवराज मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, 2000 तेरे ख्याल से 2000 से लेके मोदी जी 14 में आए, 14 साल बाद। तो मध्य प्रदेश में लाइट की समस्या तो मुझे लगता है 10 साल पहले खत्म हो गई है ना, जब से शिवराज सिंह चौहान आए तब लाइट समस्या। तो ऐसा क्या है कि जैसे आपने सब कुछ देखा है फिर भी आप भूल गए कि ये किया किसने है, जैसे आप बोल रहे हैं? अब क्या है ना, हम लोग इतना चले फिरे नहीं हैं, इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन उनका कार्यकाल बढ़िया था जो है। उज्ज्वला योजना वगैरह का लाभ मिला आप लोगों को, जो गैस मिलता है फ्री वाला? वो भी नहीं मिला अभी, नहीं मिला। फार्म भर दिए थे, बोले मिलेगा अभी तक नहीं मिले। चीजें समस्या आ जाती, नक्शा सुधार हो गया, खसरा का सुधार हो गया, और ये सब आदमी पेंडिंग कर देते हैं, जल्दी नहीं करते हैं, सालों साल लगा देते हैं। अच्छा, चलिए। जमीन जैसे कि यहाँ है ना, उसको यहाँ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ऐसा? ऐसे दूसरी पार्टी पैसा दे दिया। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है? तो वो ठीक होता है कि वो फिर नहीं होता? वो फिर विवाद बढ़ते बना ही रहता है, उसका पैसा चलता रहेगा। अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि यहाँ जो तहसील है उसमें तहसीलदार वगैरह नहीं आते, कभी कभी आते हैं? अभी आते हैं? अभी नहीं, हमेशा आते हैं। पिछले साल में भी मैं इस क्षेत्र में आया हुआ था और मुझे ये चीज पता चली कि यहाँ पे नहीं आते। कई किसानों से हमने वही तहसील में ही बात किया था। कहते होंगे तहसील में, लेकिन मैं हमेशा तहसील में जाता हूँ, तहसीलदार डीएम नायब के साथ सभी लोग आते हैं, ऐसा निर्णय करते हैं। लेकिन जो सिस्टम पैसा लेन देन का रहता है पटवारी और आई का, ये लोग बोझ मुद्दा देते हैं। तो मतलब निचले स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत है राजस्व विभाग में। इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं। तो मुझे आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए पटवारी ने लिख दिया, चेंज कर दिया आपका खसरा या जो भी है नक्शा, उसके बाद आरआई ने भी पैसे लेके कर दिया,
तो जो तहसीलदार हैं क्या उनके साइन के बिना ये काम हो जाता होगा? नहीं, वहाँ भी कुछ मतलब करते होंगे पैसा लेन देन करके, तभी ना यहाँ कर देते हैं। तो मतलब पूरा सिस्टम ही करप्ट, पूरा सिस्टम है, सिस्टम रहता है। और ये बहुत बड़ा करप्शन है। मैंने कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, देखिए न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। कितना टाइम फिर लग जाता है अगर किसी को ठीक करवाना हुआ? बहुत समय लग गया, सालों, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अगर जैसे पहले आपका पुराना रिकॉर्ड है, ठीक है, अभी नए रिकॉर्ड में किसी और के नाम पे डाल दिया इन लोगों ने, तो क्या आप इन लोगों को कोर्ट में नहीं घसीट सकते कि ये कैसे हुआ? न्याय मिलता है, ये कैसे हो गया? न्याय मिलता है लेकिन लेट मिलता है। और सब लड़ नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है सबके पास, लड़ नहीं पाते ना, बता के ना कोई गरीब है वो नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहा है, तो नेता लपाई को पकड़ेंगे, वो भी खाएगा, वो भी खाएगा, वो भी खाएगा, यानी करप्शन वो बढ़ता जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग तो हैं अटवारी आ रही हो गए, हम लोगों का जो है पहुँच यहाँ भी वहाँ भी है, आप क्या करो भाई, चारों तरफ पैसा तो पाएंगे। तो पूरा सिस्टम ही है ना, सपोर्ट सिस्टम तो बना हुआ होगा, अदरवाइज ये काम हो ही नहीं सकता। राजस्व विभाग में सुधार हो जाए सर, और कुछ जो है ये थाने के क्या बोलते हैं, ये कौन सा विभाग में आता है, ये पुलिस डिपार्टमेंट, कानून विभाग, कानून को भी सही से मतलब जांच करके न्याय दिया जाए, जो सही है सही है, जो गलत है उसको सजा मिले। अच्छा, ये हम ये चाहते। तो इसमें भी नहीं होता क्या इफेक्टिवली काम? अब बता तो गई आपसे, इसमें पूरा करेक्शन रहता है, अगर हम गलत किए हैं फिर हमें आपको आप जाकर छोड़ाएगा। अच्छा, हम उनका आदमी हो गया, ये उनका ये छोड़ा दे उनका आदमी हो गए, ऐसा होता है, वोट बैंक जो बनता तो है। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने आपको गलत तरीके से फंसा दिया जी, तो क्या वो पुलिस ये सब चीजें नहीं देखती? वो सब देखती है लेकिन सब वहाँ करेक्शन रहता है। अच्छा, सब सेटअप रहता है पहले से। कि आप हमारे पास इतना लेकर आओगे तो आप इतना शेयर बनेगा, आप लाओगे इतना शेयर बनेगा, ऐसा सब होता है। अच्छा, सही न्याय होना चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं जो गलत है तो उसको सजा मिले, जो गलत नहीं है तो गलत ना फंसाए। जो वास्तव में अगर गरीब हूँ तो उनको मिलना चाहिए, जिसके पास नहीं है उनको देना चाहिए, जिसके पास अगर है तो उसको न दे। तो ये जैसे ये जिम्मेदारी तो सरपंच और सचिव को ही दी गई है, सरपंच सचिव जो पैसा दिया जैसा रहना, हाँ हाँ, गुरु जैसा रहना और छोटा हो या बड़ा उसी तरीके उसके साथ पेश आना, पेश आना, वही ज्ञानी है और वही मेन गुरु। एग्जैक्टली, ठीक ना। अभी हम कहते हैं कि यहाँ बहुत से ब्राह्मण है तो सभी उस तरह नहीं है, सौ में एक ही मिलेंगे उस तरह, लेकिन सौ में जो एक मिले वो ऐसा होना चाहिए कि उसको कम से कम 1,000-2,000 लोग फॉलो करें, और अगर वो बोल दे कि गलत नहीं होगा इस क्षेत्र में तो नहीं होगा। हाँ, मेन यही है, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, सब प्रजा एक है। हम कहते हैं अगर किसी अगर जगह किसी भी समाज में अगर मान लीजिए कुछ होता है तो आप गुरु मानते हैं, तो अगर कहीं गलती हो गई है उसको आदमी एक बार सोचता है, उसको सुलझाता है। एग्जैक्टली, है ना, ये मेन चीज होना चाहिए, गुरु का मतलब ये होता है। तो कहीं ऐसी ऐसा नहीं कि आपस में लड़े और लड़वाए, ऐसे गुरु नहीं। अच्छा, तो ऐसे गुरु हैं यहाँ? यहाँ न जाने कितने गुरु ऐसे हैं, हाँ? तो ऐसे न जाने कितने हैं, ढूंढने लगेंगे तो आ नहीं मिलेगा। तो वैसे देखा जाए तो और कुछ ऐसे गुरु हैं कि अगर उनको आप ढूंढेंगे तो उस तरह गुरु भी नहीं मिलेंगे, अच्छे गुरु, अच्छे गुरु समेक ही मिलेंगे। जैसे कहते हैं कि लोग बाग ये करके कहते हैं कि अगर कहीं कोई गलती भी होती है किसी उसमें ब्राह्मण अगर अगर आदमी अगर पैर छू लेता है, पैर तो छूते ही तो गलती क्षमा की जाती है। ऐसे होता नहीं, नहीं उसकी बात नहीं होती, पर यहाँ पर ऐसा होता है कि गलती ये भी है और क्षमा नाम का चीज नहीं, उसको कहीं ना कहीं उसको राजनीति में उसको फंसाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये पता है क्या, कहीं ना कहीं ये पता रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये नहीं है तो मुझे वोट नहीं देंगे। नहीं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़। तो ये तो जनरली अड़ोस पड़ोस की बात हो गई, क्षेत्र। तो जैसे मोदी जी अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप कौन कौन सी चीजें हैं जो अपने क्षेत्र के लिए मांगना चाहते हैं? एक ही चीज मांगता हूँ, एक दो तीन चीज मतलब, जैसे बच्चों को नौकरी, मान लीजिए रोजगार, रोजगार उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोजगार उनको दे। देखिए हम लोग पांच भाई हैं, हम पांच भाई में किसी को कोई नौकरी नहीं है, पांचों भाई में से बच्चे भी हैं, बच्चे में भी किसी के पास कोई नौकरी नहीं, सब बेरोजगार पढ़े लिखे हैं, सब बेरोजगार। अच्छा, हम लोग ये चाहते हैं, हम लोगों को बच्चों को भी कहीं ना कहीं हम लोग को मतलब आप तो जा
पर हमारे बच्चों को तो मिलना जरूरी है। आप कुछ बोल रहे थे, ठीक है। देखिए मैं समझ गया कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, और इस वीडियो को देखने वाले उन सभी लोगों का कर्तव्य है जो यहाँ पे इस क्षेत्र में अपने आप को मानते हैं कि हाँ मेरी ताकत है, मेरा रुतबा है और मैं इस क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ, जनता मेरी बात मानती है। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को देखने के बाद एक ऐसा सिस्टम तैयार करें, खासकर ऐसे लोग जो राजनीति में हैं, डिसीजन मेकर्स हैं और जिनके पास पावर है, कि जातिवाद को ख़त्म किया जाए। सरकारी योजनाओं की, चाहे सरकारी योजनाएं मिलने ना मिलने की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, या किसी भी अन्य तरह की वाद विवाद की बात हो, इस क्षेत्र में रहने वाले, चूंकि ये इन लोगों का कहना है कि ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है और ब्राह्मण तो वैसे ही अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं, और मेरे ख्याल से जितने ब्राह्मण इस क्षेत्र में होंगे उतने ब्राह्मण देश दुनिया में बहुत कम जगहों में पाए जाते होंगे, अगर यहाँ ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है तो ये सेंटर है, तो इस क्षेत्र में तो एकदम खुशहाली होनी चाहिए। और अगर मैं इन लोगों से आज बात करता तो इन लोगों को ये चीज़ खुद कहनी चाहिए थी कि मैं वाकई में ऐसी जगह में रहता हूँ जहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं, कभी किसी की बेटी की शादी हुई, पहुँच गया बड़े आदमी के पास में तो उसने मदद कर दी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपको मदद करना चाहिए। और इन लोगों के जीवन में ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो इनके दिमाग में ये चीज़ है कि जातिवाद यहाँ पे बहुत हावी है, उसको कम किया जाना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। इसके साथ इन लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि यहाँ के जो नेता हैं, जो लोकल नेता हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से इन लोगों को वाद विवाद में फंसाते हैं, फिर इनको छुड़ाते भी हैं अपनी पहुँच यूज करके। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है कि आपके अंदर या तो काबिलियत नहीं है कि आप जनता को ये दिखा के वोट ले सकें कि आपने अच्छा काम किया है और इसलिए जनता आपको चुन रही है, तो आप फिर उपकार लेते हैं कि पहले सामने वाले को फंसाएंगे, अब चूंकि वो उसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो उसकी आप मदद करेंगे, और फिर आप ये जिंदगी भर जताते रहेंगे कि तुमको मैंने थाने में मदद की थी, कोर्ट कचहरी में मदद की थी, या तो फिर तुम्हारे पास वोट बैंक ज़्यादा है, 8-10 लोग हो परिवार में, सामने वाला गरीब है, उससे उसकी लड़ाई हो गई तो जाके सपोर्ट कर देंगे बड़े आदमी को, या जिसके पास में जनसंख्या ज़्यादा होगी। ये चीज़ इस क्षेत्र में ख़त्म होनी चाहिए, इस क्षेत्र को वाकई में, ये जो क्षेत्र है ये विश्व गुरु के तौर पर जाना जाना चाहिए, यहाँ आश्रम खुलने चाहिए, लेकिन यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बच्चों को कोरेक्स जैसी बुराइयों की ओर धकेला जा रहा है, गली गली में कोरेक्स मिल रही है, बच्चे बच्चे को पता है कि कहाँ कोरेक्स मिलती है, लेकिन पुलिस प्रशासन और सिस्टम को नहीं पता कि कोरेक्स कहाँ मिलती है। वो पकड़ते हैं 10 cc 20 cc कभी इधर कभी उधर, लेकिन देखा जाए तो ये खेल कई सालों से चला आ रहा है और आज तक ये बंद नहीं हो रहा है। कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, और बढ़ रहा है। तो क्या इसका असर बच्चों पे क्या पड़ता है, यहाँ के समाज पे क्या असर पड़ रहा है? बुरा असर पड़ रहा है, बहुत बुरा असर पड़ा है, कि आज बच्चे कर रहे हैं फिर उनके बच्चे करेंगे, नशा मुक्त होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए। तो कौन सा, जैसे अभी तो देखा जाए तो 3-4 तरह के नशे हो गए, एक तो शराब का हो गया, सरकार खुद ही प्रमोट करती है ना, गांजा हो गया, फिर कोरेक्स और कुछ मेडिकल दवाइयाँ। हाँ, कौन सा सबसे बुरा? यहाँ हमारे सबसे ज्यादा हानिकारक है कोरेक्स और टेबलेट। अच्छा, ये सबसे ज्यादा। क्या क्या नुकसान है इससे? क्या होता है, कुछ लड़के फांसी लगा लेते हैं, कुछ आपस में लड़ जाते हैं, कुछ लड़के ऐसे हैं कि खत्म हो चुके हैं। अच्छा, कोरेक्स की वजह से फांसी लगा लिया, कोई घर खा लिया है, कोई जमीन जगह अपना कहर में रख दिया जो है। अच्छा, की वजह से। अच्छा, तो जैसे मैंने कोरेक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इसलिए मैंने कोरेक्स का जिक्र किया क्योंकि आपने चर्चा किया था कोरेक्स के बारे में कि यहाँ कोरेक्स की समस्या है। तो मैंने ये सुना था कि 7-8 साल में अगर कोई बच्चा कोरेक्स का इस्तेमाल करता है तो उसकी ये जो आंत वगैरह सब सिकुड़ जाती है और मर ही जाता है। मर जाता है। एक कोरेक्स नशा हो गया, एक ड्रग्स पता नहीं कौन सा नशा होता है, वो कपड़े में भिगो लेते हैं, उसको सूंघते रहते हैं। सॉल्यूशन जो टायर का पंक्चर बनाने के लिए, हमेशा कपड़ा सूंघता रहता है, आंखें बड़ी बड़ी आंखें निकालता है, फिर वो आदमी रात में मर ही जाता है। अच्छा, क्योंकि एक केस हमारे यहाँ सुहागी में ऐसा हुआ है। अच्छा, एक लड़का जो है कोरेक्स भी लेता था, टेबलेट भी लेता था और कपड़े में कुछ भिगो करके वो सूंघता था, फिर लास्ट में वो फांसी लगा कर मर गया। ऐसा भी पता चला कि ये कोरेक्स और मेडिकल जो दवाइयां हैं वो नशे के तौर में इस्तेमाल करने की वजह से जो क्षेत्र के लड़के हैं वो अपने ही घर में अगर ट्रैक्टर है तो उसकी बैटरी बेच लेंगे। हाँ, कोई सामान उठा के बेच लेंगे, कुछ भी कर देते हैं, अपने घर में करेंगे, आजू बाजू में करेंगे, दुनिया करेंगे, ये बहुत सारी चीजें।
तो मतलब इस नशे की वजह से क्राइम भी बहुत बढ़ रहा होगा। नशे की वजह से मोबाइल भी चला रहे हैं, रास्ते में आप जा रहे हैं तो खुले बात कर रहे हैं, आप थोड़ा करके भाग जाते हैं। अच्छा, फिर वो वही मोबाइल ले जाकर बेच कर फिर वही नशा खरीदेंगे, वो नशा करेंगे। तो क्या लगता है कि मतलब कैसे ये चीज बंद की जा सकती है? अब ये तो प्रशासन कर सकती है, हम लोग नहीं। कुछ तो आइडिया होता होगा ना कि अगर आप होते तो, मान लीजिए आप कलेक्टर होते तो आप कैसे बंद करते? अब हम तो पूरे जिले में जो अगर इस तरह होता तो पूरा नशा मुक्त कर देते हैं। कैसे आप करते? वो लोग भी यही बोलते हैं, कलेक्टर प्रतिभा पाल है आपके यहाँ, वो भी यही बोलती है कि हम तो तहस नहस कर देंगे, खत्म कर देंगे नशे का कारोबार करने वालों को। जो छोटे छोटे कस्बे में मिलते हैं है। ये सारी चीजें सब जांच करके उनको बंद करा देते हैं। जो जहाँ से आता है, जो लेके आते हैं पैकारी के, उनको बंद करा देते। गांव में नहीं बिकेगा, जब नहीं बिकेगा तो नहीं करेंगे। अभी नहीं बिकता क्या? आज भी बिकता है, है। लेकिन चोरी छोटे बिकता है, हम लोगों को नहीं मिलता है। तो ये बताइए, जैसे ईमानदारी से आप बताना कि यही त्योंथर में ही दो चार जगह है तो आपको खुद पता होंगे कि यहाँ यहाँ मिलता है। हाँ मिलता है। तो क्या यहाँ जिनको उस चीज को बंद करने के लिए, रोकने के लिए जो ये कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने के लिए अधिकार मिले हैं और जिम्मेदारी मिली है, उनको ये चीज नहीं पता होगी? पता है कि जो बंद हो गए तो छूटे तो नहीं है, लेकिन बेच रहे हैं। बेच रहे हैं तो कुल मिला के कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की कमी की वजह से है ना, इच्छा शक्ति नहीं है कि वाकई में ये जो खतरनाक नशे हैं वो बंद हो जाएं समाज से। हाँ, जो छोटा मोटा नशा है तो चल जाता है, लेकिन ये सारी जो गोरख से वगैरह होती है इससे बहुत ज्यादा हानिकारक है, इससे लोग मर भी जाते हैं, बहुत जल्दी मर जाते हैं, बहुत जल्दी मरते हैं। और ऐसी ये नशा है कि अगर आप आदि हो गए हैं तो अपने आप को भी परेशान करेंगे। अच्छा, घर में परिवार से झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, झगड़ा लड़ाई करेंगे, अगर नहीं पैसा देते हैं तो आप चोरी करेंगे घर से, तब आप करेंगे, बाप माता भी परेशान रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप जो डिसीजन मेकर हैं, भारत सरकार बहुत पैसा खर्च करती है नशा मुक्ति और इन सब चीजों के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, तो अगर आपकी इस वीडियो को कोई ऐसा आदमी देख रहा हो जो बहुत बड़ा ऑफिसर हो या बहुत बड़ा नेता हो जिसको वाकई में समाज सेवा करना हो तो वो उससे आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम तो यही कहेंगे सर, बंद हो जाए तो अच्छा रहेगा, बच्चों को जो है नुकसान होती है, भविष्य बच जाएगा। हाँ, भविष्य अंधकार में ना जाए, बच्चे बहुत अंधकार में जा रहे हैं। कहीं बेरोजगारी भी तो इसका कारण नहीं है? ये भी कारण है। अच्छा, क्या है कि जो कोई रोजगार नहीं मिलेगा, हम फालतू भागेंगे तो कहीं कुछ चोरी करेंगे, कहीं डकैती डालेंगे, कहीं कोरे से नशा करेंगे, जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके इनसे। तो इन्होंने एक और बड़ी चीज जो समाज को, यहाँ के समाज को ख़त्म कर रही है, यहाँ के जो शांति है, जो संपन्नता है, उसको ख़त्म कर रही है, वो है कोरेक्स और मेडिकल दवाइयाँ जो नशे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो इनका ये कहना है कि मोदी सरकार अगर फिर से बनती है तो सबसे बड़ी इनकी यही विनती है कि कोरेक्स और मेडिकल जो दवाइयाँ यहाँ फ्रीली अवेलेबल हैं, शासन प्रशासन के लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ बिकती है, यहाँ तक कि बच्चे बच्चे को पता है कि कहाँ कहाँ बिकती है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि पुलिस वालों को नहीं मिलती या शासन प्रशासन में बैठे लोगों को ये चीजें नहीं मिलती और उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? इनका ये भी कहना है कि ये वोट दे रहे हैं और इनकी यही आशा है कि जातिवाद खत्म हो, सरकारी योजनाओं में और ट्रांसपेरेंसी आए और ये नशे का कारोबार जो है वो 100% बंद हो जाए। तीव्रते हैं उसमें आप डायरेक्ट फोन करें, जब तक आप अपनी सीएम हेल्पलाइन नहीं कट करवाते तब तक आपको आपको मतलब ये लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक जाएगी और अलग अलग लेवल के अधिकारी, जो बड़े से बड़े लेवल के अधिकारी हैं, वो आपके केस को देखेंगे। कभी आपने यहाँ पे सीएम हेल्पलाइन का? सीएम हेल्पलाइन ये सर, एक मेरी जमीन है नहाते उस बार। अच्छा, रिकॉर्ड मेरा था 80, हमारे पिताजी लिए थे, तो उसका नक्शा तरफीन सब कुछ हो गया था, फिर दूसरा आदमी लिया 84-85 में लिया, तो बोला तुम्हारा नक्शा तरफीन गलत है, तो यहाँ त्योथर में चलता था तो पटवारी था, तो गोच मोच करके यहाँ अपना बना लिया। तो हमने जाना कि यहाँ मेरा खींच जाएगा तो मैं उसको रीवा ले गई, तो रीवा आज भी वो चल रहा है नक्शा सुधार का। अच्छा, अभी तक हम उसमें कामयाबी नहीं मिला है, और जबकि मेरा जमीन खरीदा हुआ है 2500। तू बीच में ना बोला तो जो बोली थे तुम ही बोला, जो है माने जो सही रहा सही बोले चाहे गलत ना बोले, तो ओहमा जो है साहब आज तक हमको अपन न्याय नहीं मिला है। पटवारी गलती है इसमें, आरआई पटवारी की गलती है, वो बोलता है तुम्हारे जमीन एक बार बोलेगा यहाँ है, एक बार बोलेगा यहाँ है। अच्छा, इतने बोलता है, 3-4 बार मुझसे पैसा भी लिया गया है, 5,000 आरआई को मतलब दिया गया है पैसा, 5,000 रुपए मुझसे लिए, तुम्हारा ये हम बना देंगे नक्शा सुधार कर देंगे,
आज तक मेरा नक्शा तजवीज नहीं किए हैं ना, तो मेरी जमीन को हमको दिला सके तुम्हारा बेटा यहाँ जमीन अधिकार में मेरा जमीन लिखा हुआ है, नक्शा तजवीज मेरा हुआ है, कंप्यूटर में जो होता है हाँ, हाँ, हाँ। आज भी मेरा आपको करेंगे 366/2 का नंबर मेरा आज भी मैंने उसका, तो जब दिखता है तो क्या दिक्कत है? दिखता है लेकिन उसमें हमको नहीं मिल रहा है ना, दूसरा को दूसरा ले रहा है। सीमांकन के लिए आपने आवेदन दिया था? सब कुछ बता दोगे, सीमांकन हुआ है, नक्शा तजवीज हुआ है, पत्थरगड़ी हुई है, सब कुछ मेरे पास रिकॉर्ड है, लेकिन जो आज लिया है बंदा उसका सही हो गया, जो मैं सनस्ती का लिया हूँ तो मेरा गलत है, जो है सनस्ती का खरीदा हुआ है तो गलत हो गया, जो आज लिया है 85 में लिया तो उसका सही हो गया, ये सब समस्याएं हैं गुजर रहे हैं। उसमें अभी तक न्याय नहीं मिला है, अब हमारे पिताजी सियाने हो गए, बुढ़े हो गए, आज जाएंगे कल जाएं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे आप मिलाएँ, कौन हमारा हमको न्याय देगा? तो बहुत सी समस्याएं हैं, आप लोग वैसे भी बिजनेस कर रहे हैं तो ढेर सारी समस्याएं होंगी यहाँ पे छोटी सी दुकान चलाने में, इसके साथ ही ये कोर्ट कचहरी का मामला काफी डिस्टर्ब रहती होगी, डिस्टर्ब रहता है तभी तो हम लोग नहीं आगे बढ़े, जबकि अगर शासन प्रशासन सरकार का सिस्टम दुरुस्त होता तो एक दिन वो फैसला कर दे, अगर उसको सही जाँच करके दे दे, भाई उसमें चार पट्टेदार हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, सब सामना पूरा बिछा हुआ है, अब उसमें बोले तुम्हारा यहाँ है, पटवारी बोलेगा आज बोला तुम्हारा यहाँ है, आज यहाँ बताएगा कल वहाँ बताएगा परसों यहाँ बताएगा, अच्छा इस तरह कर दिए हैं, अजब सामना सब कोई है ना, अब भी अब हमको ले जाकर रोड पे नाप दिए, बोले तुम्हारा यहाँ पे है रोड पे तो रोड पे कैसे हो सकता है, अब यही तो कि रोड तो सरकारी है, वो तो 50,000 रुपये इकट्ठा दे दिया राय को, तो अब उसका हो गया, अब हम तो गरीब है, हमारे पास खाने का नहीं तो हमारा तो हटा देंगे। चलिए, तो एक इनका जो समस्या है वो है, मेरे ख्याल से आप जैसे और भी लोगों की बहुत सारे लोग रहते हैं, तो राजस्व विभाग से यहाँ के लोग काफी परेशान हैं, राजस्व विभाग में बैठे अधिकारियों से निवेदन हाँ। है कि इनपे इन चीजों पे संज्ञान ले और थोड़ा ईमानदारी से काम करने का प्रयास करें, क्योंकि आज भी हमारे देश के लड़के सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं और जब तक नहीं मिलती तो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। सरकारी नौकरी का मतलब यह नहीं होता कि आपको लाइसेंस मिल गया करप्शन का और पैसा भ्रष्टाचार से बनाने का, सरकारी नौकरी एक दायित्व तो होता है, एक जिम्मेदारी होती है जो बड़ी ईमानदारी से ऐसे लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है, और इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि निचले स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक करप्शन एकदम दबा के भरा पड़ा है राजस्व विभाग में। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।